कभी मुसलमानों की टोपी पर, कभी मुसलमानों के कपड़ों पर, कभी मुसलमान के खान पान पर, कभी मुसलमानों के हिजाब पर, कभी आने जाने पर, वजूद पर। ईश्वरप्पा कहते हैं उनको अजान से उनके सर में दर्द होता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि किस देश जाना चाहेंगे। मुसलमानों के एग्जिस्टेंस पर तो लगातार इस तरीके के विवादित बयान आते रहे, कभी मदरसों पर, मस्जिदों पर। हिंदू राष्ट्र के हित में इतना तो जायज होना भी चाहिए, क्योंकि 80% को जब 20% से डर लगता है इस देश के अंदर, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, हर आप देखेंगे हर प्रदेश के अंदर सभी मुख्यमंत्री हिंदू है, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है। हेमंता बिस्व शर्मा जी का एक बड़ा बयान आया है जो कि मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो सकता है अगला नंबर आपका है। देखिए, इस तरीके के बयान आना मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक बड़े बयान आ रहे हैं, क्योंकि जब से 2014 के बाद, जब से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भाजपा की दीमक लगी है, तब से हर विवादित बयान बड़ा बयान करार दिया जाता है, और विपक्ष के हर बड़े बयान को विवादित बयान कहा जाता है। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज देश के जब प्रधानमंत्री को मुसलमानों का वजूद बर्दाश्त नहीं है, तो अगर उनके मुख्यमंत्री ने अगर विवादित बयान दे दिया तो कोई ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के बयान तो आते रहते हैं, और हम तो आदत अब हमें आदत हो चुकी है इस तरीके के बयानों की, क्योंकि लगातार इस तरीके के बयान आते रहते हैं, कभी मुसलमानों की टोपी पर, कभी मुसलमानों के कपड़ों पर, कभी मुसलमान के खान पान पर, कभी मुसलमानों के हिजाब पर, कभी आने जाने पर, वजूद पर, हर मुसलमानों के एग्जिस्टेंस पर तो लगातार इस तरीके के विवादित बयान आते रहे, कभी मदरसों पर, मस्जिदों पर। तो मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि आज मेरे देश के अंदर आज़ादी के वक्त से लेकर आज तक मेरे देश में मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ हमवतनों वाला सलूक क्या ये सरकारें कर रही हैं? नहीं करती है, क्योंकि आज मेरी तकलीफ क्या है, मेरी तकलीफ है कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान अगर पढ़ेगा तो तकलीफ है, अगर नहीं पढ़ेगा तो तकलीफ है, क्योंकि अगर पढ़ता है तो कहीं बाहरी मुल्कों से फंडिंग आती है, अगर नहीं पढ़ेगा तो कहते हैं कि इस मुआशरे के लायक नहीं है मुसलमान। अब्दुल तो सिर्फ पंचर लगाता है, सिर्फ टेलर है, सिर्फ नाई है, लेकिन मुआशरे के लायक नहीं है। लेकिन अगर वही अब्दुल पढ़ लिख जाता है तो बाहर ये कहा जाता है कि ये तो जासूसी करता है, ये तो बड़े बड़े अगर पदों पर अगर अब्दुल को अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि बाहरी मुल्कों से फंडिंग करा, बाहरी मुल्कों को हिंदुस्तान की जासूसी का करार दिया जाता है। तो आज हेमंता बिस्वा शर्मा हो या ईश्वरप्पा हो या कोई धीरेन्द्र शास्त्री हो, अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के हित में इतना तो जायज होना भी चाहिए, क्योंकि 80% को जब 20% से डर लगता है इस देश के अंदर, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, हर आप देखेंगे हर प्रदेश के अंदर सभी मुख्यमंत्री हिंदू है, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में है तो मुसलमानों की सोचिए कि जिसकी हर रोज लिंचिंग होती है, हर घड़ी हर मिनट वो किसी न किसी, कभी गोश के नाम पर, कभी गाय माता गौ रक्षा के नाम पर उसकी लिंचिंग होती है, उसको कभी उसकी टोपी सर से छीन ली जाती है, कभी उसका हिजाब खींच लिया जाता है, कभी उसको किसी कहीं पर बेइज्जत किया जाता है, कभी किसी बहन को बेइज्जत किया जाता है। तो ये तो हम तो आदि हो चुके हैं इस तरीके के। तो देखिए, इस तरीके के बयान की सड़कों पर उतरना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अब तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जाती है, अब तो तमाम तरीके की बातें होती है। 2024 नजदीक है, आपको ये बात समझनी जरूरी है कि आज देश का मीडिया जिस तरीके से, अगर विपक्ष का कोई बड़ा बयान भी होगा तो उसको विवादित बयान कहते हैं, लेकिन ये विवादित बयान थोड़े ही है, ये तो अब आदि हो चुके हैं, क्योंकि ये विवादित बयान जो है ये बड़े बयान है। आप जो देश का मीडिया जो चला रहा है वो सत्ता पक्ष के लिए चला रहा है इस तरीके के बयान। देखिए, सत्ता आज जिस तरीके की सत्ता की मलाई कौन खा रहा है? देश का मीडिया खा रहा है। देश का मीडिया हो, आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज कौन करता है लोकतंत्र
लोकतंत्र की बात आज ये कहा जाता है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जिस संविधान की शपथ लेकर के जिस पद पर आसीन है, उन्होंने क्या शपथ ली है कि मैं बिना द्वेष के, बिना पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। लेकिन आज किस तरीके से उसी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से खास करके एक समुदाय के लोगों के लिए जिस तरीके के जहरीले जहर उगलने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके के जहरीले विवादित बयान दे रहे हैं, क्या ये उनकी कुर्सी का दुरुपयोग नहीं? क्या इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? देश का सौहार्द बिगाड़ने के लिए, देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए, एक समुदाय के लिए जिस तरीके से अगर भाजपा को अगर आप वोट नहीं देते हैं, अगर आप भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो आपके वोटिंग अधिकारों को छीन लिया जाएगा, आपके धार्मिक संस्थानों को बुलडोज कर दिया जाएगा। आज देश के अंदर ये हो रहा है कि आज आपके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, अगर आप अगर भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आपके घरों को नेस्तनाबूत कर दिया जाएगा, आपके धार्मिक संस्थानों को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। ईश्वरप्पा कहते हैं उनको अजान से उनके सर में दर्द होता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि किस देश जाना चाहेंगे आखिर, अगर उनको, क्योंकि ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। इस देश के अंदर आपको अजान भी सुनने को मिलेगी, मंदिर की घंटियां भी सुनने को मिलेगी, चर्च में भी आपको प्रेयर सुनने को मिलेगी, और अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं तो वहां पे अलग अलग तरीके के अलग अलग देखिए कस्टम्स है, वहां पे अलग अलग तरीके से फॉलो होते हैं। तो देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि आपके सर में दर्द होता है तो आप कोई ऐसा मुल्क चुन लीजिए जहां पर आपको आसानी हो रहने में, क्योंकि हिंदुस्तान तो सबका है, किसी एक का नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि मैं अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करूं, नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र की अगर कोई मांग करता है, क्या हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा? ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को हम सबको समझने की जरूरत है कि अगर मदरसों को बंद करने की बात करते हैं तो क्या खोलना चाहेंगे? अडानी अंबानी के यस आरएसएस के संघ के स्कूल खोलेंगे जहां पर संघ की ट्रेनिंग दी जाएगी? क्या आसाराम और राम रहीम जैसे आश्रम खोलेंगे जहां पे आसाराम जैसे बलात्कारी निकलेंगे या राम रहीम जैसे बलात्कारी निकलेंगे, आज जेलों के अंदर हैं? तो क्या आप वो आश्रम खोलना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? स्कूल कॉलेजेस को बंद करके, इन तमाम संस्थानों को बंद करके आप ऐसे आश्रम ऐसे जहां से ऐसे बलात्कारी निकले? तो आज इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में हम सब पूरी तरीके से उतर चुके हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से सड़कों पर रहते हैं, सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि आज देश का मीडिया अगर हमें दिखाना चाहता, आज हमारी आवाज को नहीं उठाना चाहता, सिर्फ सत्ता पक्ष की बात को रखेगा, अगर इस देश का जुडिशियरी अगर हमारी बात नहीं करेगा, अगर हम न्याय की अगर जिससे गुहार लगाई जाती है, अगर वहां से न्याय नहीं मिलेगा तो ये इस देश की आवाम कहाँ जाएगी, इस देश का मुसलमान कहाँ जाएगा? लेकिन मैडम, ये बीजेपी के विधायक जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई मुस्लिमों के राइट्स जो हैं, उनके वोटिंग राइट्स हैं, वो खत्म कर देने चाहिए। देखिए, इस तरीके के बयान लगातार आते रहेंगे। आप ये सोचिए कि इन लोगों को टारगेट दिया गया है, इनको ये कहा गया है कि कौन कितना ज्यादा जहरीला बयान दे सकता है, विवादित बयान दे सकता है। अनुराग ठाकुर, हमें यहाँ तक किस तरीके का बयान, जो विवादित बयान देने के बाद उनकी जो तरक्की हुई, जो उनकी पदोन्नति हुई, जो उनको मंत्रालय मिला, वो कैसे मिला? आप देखिए, उठा करके देखिए इनके इतिहास, देखिए जो लोग इस तरीके के जहरीले, जितने जहरीले, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं, कोई काम नहीं किया जिसके आधार पर ये वोट मांग सके। हेमंत बिस्वा शर्मा किस आधार पर वोट मांगेंगे? काम तो किया नहीं है। तो जब काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाकर, आपस में बांट कर, इनको आपस में बांट करके इनको वोट मिलता है, क्योंकि इनको इनको बार बार ये सिर्फ बोलने पर, क्योंकि अगर आप किसी झूठ को हजार बार अगर आप बोलें तो वो सच नजर आता है। तो हिंदुओं को ये बताया जाता है कि देखिए मुसलमान तो आतंकवादी है, मुसलमानों से आपको खतरा है, बार बार देखिए, अगर एक बार नहीं हजारों बार ये बात कही जाती है कि मुसलमान आतंकवादी है, जब ये कहा जाता है, और देखिए आपके घरों में घुस जाएगा, आपकी बहन बेटियों के साथ वो क्या करेगा, तो इस तरीके के जब कोई भी अगर सुनेगा तो जाहिर है वो उसको लगेगा कि हाँ, हमें इससे खतरा है। 2014 के बाद जो देश के अंदर आपस में जो अमन शांति, आपस में जो जो जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में पहले किस तरीके से भाई भाई हम कहते थे, आपस में जिस तरीके से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज वो
भाजपा ने पूरी तरीके से आपस में बांट कर रख दिया है। आज सारे बयान मुस्लिमों के खिलाफ आते हैं। बिल्कुल, इस तरीके के बयान आना, क्योंकि चुनाव सर पर है, 2024 नजदीक है, चुनाव नजदीक है, तो जाहिर है इस तरीके के बयान आना स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, एक ही, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये वोट मांगती है, कब्रिस्तान शमशान पर ये वोट मांगती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके की कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है, हम आप इसके अब आदि हो चुके हैं और हमें आदि हो जाना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को अगर लड़ना चाहते हैं, जो लड़ रहे हैं, जो सड़कों पर हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी किसी एक की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। अगर देश के अंदर लोकतंत्र रहेगा तो ये देश के अंदर संविधान की संविधान भी हम इसको इसको बचा सकते हैं। अगर देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक गुलदस्ते की तरह है, ये अगर ये एक साथ रहेंगे तभी हिंदुस्तान रहेगा, नहीं तो अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, देखिए ये आने वाले वक्त में ये हिंदुओं को ये सिर्फ कहा जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, लेकिन देखिए हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनने वाला। अगर ये कहा, अगर कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र 2024 और 2025 में बन जाएगा, तो ये गलतफहमी है, इस गलतफहमी से हम सबको बाहर आना चाहिए।